लवकुश रामलीला मंच पर फिल्मी दुनिया के खलनायक और अभिनेता निमाई बाली महाबली रावण का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। निमाई बाली फिल्म एवं टीवी सीरियल में रावण का किरदार पहले भी निभा चुके हैं। लेजेंडरी बॉलीवुड कलाकार हेमंत पांडे, जिन्होंने ऑफिस ऑफिस टीवी सीरियल से घर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई और कई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों में कई सुपरस्टार के साथ काम कर चुके हैं, इस बार के लवकुश रामलीला में नारद मुनि के किरदार को दर्शकों के सामने जीवन करते नजर आएंगे। बॉलीवुड के आर्टिस्ट मनीष चतुर्वेदी रावण पुत्र मेघनाथ का किरदार निभाएंगे। विशेष बात यह है कि रामलीलाओं से हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाते, उनको एक शिक्षा दे पाते, क्योंकि रामलीला के अंदर, रामायण के अंदर एक परिवार को जोड़ने की कला है। पिता पुत्र का प्रेम, भाई का त्याग, आप देखते हैं कि भरजी ने 14 वर्ष तक जमीन के ऊपर सोए और उस राज सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे जिसके ऊपर प्रभु श्री राम ने बैठना, तो इतना बड़ा त्याग, पति पत्नी का प्रेम और प्रभु द्वारा वन के अंदर जाकर सभी से, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, भील हो, आदिवासी हो, सभी से प्रेम करना, एक बहुत बड़ी सीख हमें इस रामायण से मिलती है। मुंबई के मशहूर कलाकार हेमंत पांडे जी, हेमंत पांडे जी की बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी, क्योंकि अगर मैं फिल्मों का जिक्र करूंगा तो एक लंबी फहरिस्त है। इनकी फिल्में भी हैं, सीरियल्स भी हैं, और अपने पीछे के अंदर खुद हेमंत पांडे जी, निमाई बाली जी आपको बताएंगे। मैं चाहूंगा कि तीसरे जो आज के हमारे किरदार हैं, पहले भी जवाब दिया था कि आज हमारी नई जनरेशन जो है, ये जो कलाकार मेरे सामने बैठे हैं, इनको फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर वो देख चुकी है। निमाई बाली जी के इतने सारे सीरियल्स हैं, उनको भी देखा, फिल्मों के अंदर देखा, हेमंत पांडे जी को देखा। जब ये लोग वहाँ फिल्मों के अंदर होते हैं और जो युवा पीढ़ी इनको देखती है, तो उन बच्चों के अंदर एक अट्रैक्शन रहता है इन चेहरों को लेकर। जैसा कि अभी असरानी जी का जिक्र हुआ, आज 60 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है और 350 फिल्में वो देख चुके हैं, तो जब असरानी आते हैं तो मन के अंदर खुद ही हर, चाहे वो नौजवान हो या बुजुर्ग हो, तो वो एक जेलर वाला सीन जो उभर जाता है। इसी तरह निमाई बाली जी या हेमंत पांडे जी, मैं पांडे जी हूँ, इनके सीरियल्स और फिल्में, चाहे इन्होंने रावण का किरदार किया या इन्होंने चंद्रकांता के अंदर किया, हेम कश्यप का किया, बहुत सारे किरदार किए, शिव का किया, तो जब बच्चा नौजवान वहां पर देखता है और देखने के बाद ये चेहरे इतने अट्रैक्शन के होते हैं, तो इन अट्रैक्शंस के चेहरों के अंदर निश्चित रूप से वो टीवी, जो आज का जमाना है, बटन दबाते दबाते आगे बढ़ जाना, उसके अंदर वो रुकता है।